भाई और बहन का सच्चा प्यार हो तो वाकई में ये लाइफ बेहद खूबसूरत है। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा, कहानियों को आवाज देता हूं, को फाउंडर ऑफ पॉडकास्ट इन्फ्लुएंसर क्लब। मगर अभी आपके लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही विशेष, एक बहन का लिखा हुआ पत्र अपने भाई के नाम। ये खत, ये पाती जो कि अंजलि खेर जी की कलम से निकला है, खास रक्षाबंधन के मौके पर मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। मेरे प्यारे भैया, प्यार भरी छप्पी, हां आपको जब भी चरण स्पर्श करने जाती हूं तो आप मुझे अपने दोनों हाथों से थाम अपने आंख में भर लिया करते हैं और कहते हैं कि नहीं अंजी, तुम्हारी जगह तो मेरे दिल में है, हमेशा हमेशा के लिए। सच भैया, सोचती हूं न जाने कितने जन्मों के पुण्य कर्म का फल है कि ईश्वर से आप जैसे भाई के रूप में इतनी प्यारी सौगात मुझे मिली है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप हमेशा की तरह अपने कामों में व्यस्त और अपने में ही मस्त होंगे। भैया, सावन की फुहारों से बिखरी मिट्टी की भीनी सी खुशबू, मेहंदी की लालिमा और नारियल की बर्फी की मन भावन मिठास के बावजूद मेरे पूरे घर में बिन तुम्हारे आज राखी के दिन मन के कोने में सन्नाटा सा पसरा है। खैर कोई ना, अपनी जिम्मेदारियों को शिद्दत से निभाना मैंने आप ही से तो सीखा है। सो परिवार के बड़े बुजुर्गों और पढ़ाई करियर के दौराहे पर खड़े बच्चों की जिम्मेदारी हाल फिलहाल प्रायोरिटी पर होने के कारण मैं आपके पास आ नहीं सकती, और वहीं दूसरी ओर ब्रांच इंचार्ज होने के नाते आपकी व्यस्तताओं को भी मैं भली भांति समझ सकती हूं। पर भैया, कुछ भी कहो, कितने ही बिजी शेड्यूल के बावजूद अपने डेली रूटीन के साथ परिवार, दोस्तों और कलीग्स के साथ रेगुलर बातचीत, हर ओकेशंस में अपनी प्रेजेंस से जान डाल देना, भैया आपके इस टाइम मैनेजमेंट की कला की तो मैं वाकई में कायल हूं। अभी हाल परसों रात आपने व्हाट्सएप पर मुझे भेजी हुई पिक्स देख रही थी। फोटो देखकर मन दशकों पुराने यादों के गलियारे में ही दौड़ पड़ा था। भैया वो बचपन के दिन भी क्या दिन थे, मेले में मोटर साइकिल पर बैठ के फोटो खिंचवाना, बर्फ के गोले, बुढ़ी के रंग बिरंगे बालों के गुच्छे, मटके वाली कुल्फी छक कर खाना, रेत के ढेर में खूबसूरत किले बनाना, दिवाली में मिट्टी के घर को ले बनाकर सीपों और मिट्टी के खिलौनों से सजाना, गर्मियों में अट्ठू, अंताक्षरी, राजा मंत्री, चोर सिपाही वगैरह खेलना, लाइब्रेरी से चंपक, मोटू पतलू, चाचा चौधरी और पिंकी आदि मैगजीन जाकर बारी बारी से पढ़ना। उस समय तो हमारे पास साइकिल भी नहीं होती थी, हम घंटे के हिसाब से किराए पर लाकर बारी बारी चलाया करते थे। कई बार पहले मैं के चक्कर में छीना झपटी में गिरने से हमें चोट भी लग जाया करती थी और अक्सर मेरे कारण आपको डांट पड़ जाया करती थी। पर भैया, आपने इस बात का गुस्सा मुझ पर कभी नहीं उतारा, बल्कि जब कभी मम्मी मुझे मेरी गलती के लिए डांटती तो ढाल बनकर मुझे बचा लिया करते, फिर अपने हिस्से की टॉफी चॉकलेट देकर मुझे चुप कराया करते। सच कहूं भैया, तो बचपन से लेकर आज तक आप ही मेरे लिए आदर्श बने हुए हो। गर्मियों की छुट्टियों में भी सुबह 4 बजे उठकर अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग याद करना, अगली क्लास के मैथ्स नए सेशन के शुरू होने के पहले ही कंप्लीट कर लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए न जाने कहां कहां से बुक्स अरेंज करके पढ़ते ही रहना। आपको ये सब करते देख ही मेरे मन में भी पुस्तकें पढ़ने का शौक सा जाग उठा, और शायद यही वजह रही कि आगे जाकर कलम ही मेरी सच्ची सहेली बन गई, और न केवल लेखन में रुचि जागी बल्कि खुद को नेगेटिविटी से दूर रखने का एक अच्छा साधन भी बन गई। भैया मुझे याद है, 10वीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षा के समय जब मैं और मेरी सहेलियां कंबाइंड स्टडी करते थे तो देर शाम मेरी सहेलियों को उनके घर आप खुद छोड़कर आया करते थे। नारी के प्रति गर्मा सम्मान के भाव आपकी तरह समाज के दूसरे पुरुषों में भी हों तो समाज का स्वरूप ही बदल जाएगा। आपके इन भावों का मैं हृदय से सम्मान करती हूँ। पिछले दिनों टोटल लॉकडाउन के समय जब आपने मुझे बताया कि इमरजेंसी सर्विस में आप डेली ऑफिस जाते थे और कोरोना प्रभावितों के परिजनों के लिए इमीडिएट क्लेम सेटलमेंट करने की कोशिश करते हो, तो सच मेरा मन गर्व से भर उठा था। ये सोचकर कि जहां आज सब अपनी जिंदगी की सुरक्षा की जुगत लगाए हुए हैं, वहीं आपकी ये सोच कि अपनी हिफाजत के लिए प्रिकॉशन लेना अपने हाथ में है, पर आज अपने अपनों को खोने वालों के लिए आर्थिक जरूरतों के लिए तुरंत सेवा देना हमारी जिम्मेदारी है। सच भैया, आपकी तरह ही सोच वालों के कारण ही
आज न केवल कोरोना काल में प्रभावित परिजनों को समय रहते मदद मिली, बल्कि उनके मन में भी जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद के लिए आगे आने का सबक भी मिला ही होगा। भैया, ऐसी न जाने कितनी ही बातें हैं जो आपने कहकर मुझे नहीं सिखाई, बल्कि आपको करते देख मैं सीखती चली गई। उसी का तो नतीजा है कि आज कितनी ही कठिन स्थिति आए, मेरा मन घबराता नहीं, बल्कि उसे सुलझाने के लिए दिमाग ऑप्शंस ढूंढने लगता है। आपको हर परिस्थिति में कूल कूल देखकर मैंने भी काफी हद तक अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख लिया है। भैया, पहले मुझे आपकी इस आदत को देखकर बड़ा आश्चर्य होता था, पर अब समझ में आ गया है कि बात बेबात गुस्सा करने से खुद का नुकसान होता है और हाथ कुछ भी नहीं आता। सच भैया, परिस्थितियों की नजाकत हमें काफी कुछ सिखा जाती है। कहने बताने को तो इतना कुछ है कि शायद मेरी कलम की स्याही भी कम पड़ जाए और फोन पर बात करते हुए नेट पैक भी खत्म हो जाए, पर आप ही से तो सीखा है कि घर में सभी सदस्यों को उनके हिस्से का समय देना हमारी जिम्मेदारी है। और आपसे सीखे इस सबक का ही तो नतीजा है कि आज न केवल बच्चों से मेरे दोस्ताना रिश्ते हैं, बल्कि सासू माँ भी मुझे अपना हाले दिल बताए बिना एक दिन भी नहीं रह पाती। सो अंशी की ऑनलाइन क्लास खत्म होने वाली है और अब अगले घंटे शुरू होगा हमारा माँ बेटी सेशन, इसलिए पत्र को यहीं विराम देती हूँ। इस पत्र के साथ लिफाफे में अक्षत के साथ भेजी राखी अपनी लाडली बिटिया वैष्णवी से बंधवा लेना। एक बार फिर आपको प्यार भरी झप्पी और फोन पर बात के इंतजार के साथ आपकी बहना अंजलि। आई एम डैम श्योर कि यह सुनकर के आपको खतों किताबत का वो जमाना याद आ गया होगा, वो चिट्ठियां लिखना और चिट्ठी के जरिए हाले दिल पहुंचाना। लिखने में एक अलग ही भाव आ जाता है ना। वैसे मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि आपका तन मन दोनों इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो पूरा वजूद उन शब्दों में निकल करके आ जाता है। वो भावनाएं जो मन में उमड़ घुमड़ रही होती हैं वो कागज पर उतर आती हैं। इस उम्मीद के साथ कि ये प्यार भरी पाती आपको जरूर पसंद आई होगी और शायद इंस्पायर होकर के आप एक चिट्ठी लिख भी बैठे। मैं रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको एक बार फिर से देता हूं। अंजलि खेर जी का धन्यवाद करता हूं कि लाइफ खूबसूरत है में उनकी ये पाती लाइफ को और भी खूबसूरत महसूस कराने के लिए उन्होंने शामिल करवाई, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बहुत जल्द फिर होगी मुलाकात, तब तक जरा मेरे साथ कहिए कि लाइफ खूबसूरत है। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर जुड़िए ताकि सारे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच। अमित का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।